लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे चिराग पासवान के कंधे पर है। जी हां, चिराग जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं और वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके चिराग पासवान कभी एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने एक फिल्म भी की है, उस फिल्म का प्रीमियर रामविलास पासवान बीच में ही छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, साल 2011 में चिराग पासवान की फिल्म मिले ना मिले हम रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके साथ लीड रोल में कंगना रनौत थी। जी हाँ, फिल्म की स्क्रीनिंग जयपुर में हुई थी। जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में फिल्म देखने चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान भी पहुँचे थे। फिल्म अभी आधी खत्म नहीं हुई थी कि रामविलास पासवान वहाँ से उठकर चले गए। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे की डेब्यू फिल्म बीच में छोड़कर जा रहे हैं, रामविलास पासवान ने जवाब दिया था कि उनके पहले से ही कार्यक्रम तय हैं, वह बाद में आराम से पूरे परिवार के साथ बैठकर ये फिल्म देखेंगे। बता दें कि तमाम पब्लिसिटी के बाद भी चिराग पासवान की डेब्यू फिल्म फ्लॉप कर गई थी। पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद चिराग ने राजनीति का रुख कर लिया। जी हाँ, साल 2014 में चिराग पासवान पहली बार सांसद बने और लोकसभा पहुँचे। जी हाँ, पिछले साल रामविलास पासवान ने उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया था। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पर सबकी नज़र है। पार्टी के गठन के बाद पहला मौका है जब बिना रामविलास पासवान के वह चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, चिराग पासवान के कंधों पर इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। तो देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का प्रदर्शन कैसा रहता है। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।